हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। आपको मालूम होगा कि ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है ना, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एसएससी एमटीएस हवलदार रिक्रूटमेंट 2023, आपको मालूम ही था। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं 11,409 हैं, जिसमें एमटीएस की बात की जाए मल्टी टास्किंग स्टाफ की तो 10,880 है और हवलदार की 529 है। या आप अगर आपने फॉर्म मतलब भरा होगा या भरने जा रहे होंगे तो आपको ये तो क्लियर होगा। इसके बाद मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कुछ चीज़ें और। तो ये जो फॉर्म है वो 18 जनवरी से भरा जा रहा है और 17 फरवरी तक भरा जाएगा, ये आपको मालूम ही है। करेक्शन डेट 22 और 23 23 24 फरवरी दी गई है। दो टाइप होंगे, पेपर फर्स्ट होगा पेपर सेकंड होगा, सेम डे ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। पेपर फर्स्ट एग्ज़ाम अप्रैल 2023, मतलब ये एक्सपेक्टेड डेट है कि अप्रैल में होगा, क्लियर ही मान लीजिए एक तरीके से। जो आपकी एज रखी जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी, और एज जो है मिनिमम 18, मैक्सिमम कितना 27 साल। इसमें क्या है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से छूट दी जाती है, जनरल के लिए नहीं। क्लियर? अच्छा, एलिजिबिलिटी 10 पास आउट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो रिटन टेस्ट होगा पीटी पीएसटी फॉर हवलदार के लिए। ओके, अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल। क्लियर? अब बात करते हैं सिलेबस फर्स्ट की। तो सिलेबस फर्स्ट क्या है, 40 क्वेश्चन, ठीक है, 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, बात करते हैं मैथ में, तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, नो निगेटिव मार्किंग है, आप इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, और जिसमें से ओनली क्वालिफाइंग नेचर है, क्लियर है, सिर्फ क्वालिफाई करना जाएगा। मतलब उसमें एक कटा दे दिया जाएगा, 30% या 20%, इतना आपने पा लिया बस, ठीक, इससे ऊपर आपको पाने की जरूरत नहीं, तो क्वालिफाइंग नेचर है। बात करते हैं सेशन टू की, तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, इसमें 45 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको, इसमें जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। इसमें जो निगेटिव रहेगी 1 मार्क फॉर ईच। अच्छा, जो सिलेक्शन होगा आपका तो फाइनल मेरिट बेस्ड ऑन सेशन सेकेंड, फर्स्ट पे नहीं है, क्वालिफाइंग है। सेशन जो सेकेंड होगा वो उस पे बेस्ड होगा आपका, क्लियर। अच्छा, पीटी और पीएसटी एलिजिबिलिटी हवलदार के लिए क्या है, मतलब मेल और फीमेल के लिए, तो वॉकिंग जो है मेल के लिए 1600 मीटर इन 15 मिनट में और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट। हाइट की बात की जाए तो 157.5 सेंटीमीटर, ये आपकी जनरल और ओबीसी की, बाकी एससी और अदर के लिए छूट जो दी गई है एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, फीमेल की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए होगा 149.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अच्छा, चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट है मिनिमम 81, मैक्सिमम कितना 86, यानी कि 81 86 का मतलब है 5 सेंटीमीटर आपका फुलान आना चाहिए। वेट की बात की जाए तो लड़कों के लिए वेट नहीं दिया गया है, लड़कियों के लिए 48 केजी और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 46 केजी। ये क्या है कि एक चीज़ मैंने बता दी जो सिलेबस था और क्या पेपर पैटर्न है वो है, बाकी आप पे डिपेंड है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक मिलती है तो बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। प्रीवियस ईयर इन द सेंस का मतलब है आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग तैयारी करने लगे। बाकी अब बचा क्या है आपका कट ऑफ, तो वो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कट ऑफ। देखिए, आपको तैयारी करनी है, कट ऑफ बाद में ध्यान रखिएगा, आपको अपना 100% देना है। कट ऑफ एक मेजरमेंट होता है जिससे देख के आप लगा सकते हैं कि दिमाग में कि हाँ इतना कट ऑफ गया तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो वो डिपेंड होता है कि आपका पेपर कैसा बना है, किस लेवल का हुआ है, तो उस पर डिपेंड हो जाता है। तो आप उधर ध्यान ना देखें, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। बाकी जो आपका कट ऑफ का सेक्शन है कि कट ऑफ कितना गया था और कैसा हुआ था वो भी मैं बता दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, कोई बुक्स आपको चाहिए होगा, कुछ भी आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।